समाचार बुंदेलखंड में आपका स्वागत है। रुख करते हैं झांसी की खबरों पर। बुंदेलखंड क्रांति दल ने हाउस टैक्स वृद्धि के निरस्त किए जाने की मांग को लेकर नगर निगम के अधिकारी को दिया ज्ञापन। दरअसल झांसी में बुंदेलखंड क्रांति दल ने राष्ट्रीय अध्यक्ष कुंवर सत्येंद्र पाल सिंह के नेतृत्व में प्रतिनिधि मंडल ने जीआईएस सर्वे के द्वारा झांसी नगर निगम क्षेत्र में की गई हाउस टैक्स वृद्धि को निरस्त किए जाने की मांग को लेकर मेयर नगर निगम झांसी, नगर आयुक्त नगर निगम झांसी एवं मुख्य कर निर्धारण अधिकारी नगर निगम झांसी को ज्ञापन दिया। सर्वे के आधार पर बढ़ाए गए सभी गृह कर कम किए जाने की मांग की गई। चेतावनी दी गई कि यदि गृह कर कम नहीं किए गए तो फिर बुंदेलखंड क्रांति दल आंदोलन के लिए बाध्य होगा, जिसकी पूरी जिम्मेदारी नगर निगम झांसी की होगी और झांसी जिला प्रशासन की होगी। ज्ञापन में कहा गया कि नगर निगम झांसी के द्वारा जीआईएस सर्वे के द्वारा की दी गई गलत रिपोर्ट के आधार पर झांसी के निवासियों पर बेतहाशा हाउस टैक्स की वृद्धि कर दी गई है, जो बिल्कुल गलत है और न्याय संगत नहीं है। खाली प्लॉट पर लगाए गए टैक्स को निरस्त करने की मांग की गई। ज्ञापन में कहा गया कि मेयर नगर निगम झांसी ने चुनाव के दौरान ये वायदा किया था कि चुनाव के बाद सभी के हाउस टैक्स आधे कर दिए जाएंगे, गृह कर आधे किए जाएं। ज्ञापन में कहा गया कि जीआईएस सर्वे त्रुटिपूर्ण है। कंपनी के कर्मचारियों ने सर्वे के दौरान मौके पर मोल तोल करके सेटिंग के आधार पर टैक्स कम कर दिया और जिनसे सेटिंग नहीं हो पाई उनके टैक्स 10 गुना तक बढ़ा दिए हैं। जीआईएस सर्वे करने वाली कंपनी को काली सूची में डाला जाए, उसका भुगतान रोका जाए, उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। जीआईएस सर्वे की पूरी रिपोर्ट निरस्त करने की मांग की गई। सर्वे में स्कूलों के टैक्स नियत करने में बहुत भेदभाव किया गया है, किसी मानक का पालन नहीं किया गया है। जो बड़े स्कूल हैं जिनके पास 4 लाख 3 लाख वर्ग फीट एरिया से अधिक जमीन और भवन है उनके टैक्स कम है और जिन छोटे स्कूलों के पास बहुत कम एरिया है उनके टैक्स अधिक है। जीआईएस सर्वे में एक मकान के साथ दूसरे मकान को भी नाप दिया गया है, इस प्रकार सभी मकानों का टैक्स बढ़ा दिया गया है। नगर निगम झांसी के पार्षदों ने भी इस जीआईएस सर्वे को निरस्त करने की मांग की है। आज बुंदेलखंड क्रांति दल के लोग, नगर आयुक्त महोदय, माननीय मेयर साहब, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी, इन लोगों से हम मिलकर ज्ञापन दिया है कि झांसी नगर निगम के अंतर्गत जीआईएस सर्वे कराने के उपरांत हाउस टैक्स आम जनता सभी के कई गुना बढ़ा दिए गए, 25% से लेके और जाने कितने कितने प्रतिशत बढ़ गए। किसी का हाउस टैक्स 2000 था, पता चला कि उसका हाउस टैक्स 20000 हो गया। ये तो मतलब एक तरह से बहुत ही अन्याय जनता के साथ हो गया। जीआईएस सर्वे ऊपर कैमरे से, ड्रोन से जैसे किया उन्होंने, एक मकान के संग दूसरे मकान की छत लगी थी उसने उसको भी नाप दिया उस मकान के संग, यानी मकान दो मकान, एक मकान इसमें भी नप गया, उसमें भी नप गया। तो जीआईएस सर्वे त्रुटिपूर्ण है। जिस कंपनी को भी ठेका दिया गया होगा उसने सर्वे ठीक नहीं किया। तो बुंदेलखंड क्रांति दल बुंदेलखंड राज्य के लिए तो संघर्ष करती ही है, साथ में बुंदेलखंड की जनता की आवाज भी हम हैं। हम विरोध में हैं, सरकार में नहीं है। तो जो जनता की आवाज सरकार तक पहुंचाना हमारा काम है और आज की तारीख में झांसी की जनता चिल्ला चिल्ला के ये कह रही है कि हमारा हाउस टैक्स कम किया जाए, जीआईएस सर्वे की रिपोर्ट को कैंसिल किया जाए, निरस्त किया जाए। हम माननीय नगर आयुक्त से बहुत देर वार्ता हुई, उन्होंने आश्वासन दिया है कि वो सूची हर वार्ड में जाएगी, पार्षद गण के पास रहेगी, कि हर बुद्ध को यहाँ कैंप लगेगा नगर निगम में, जिनके भी टैक्स बढ़ गए हैं वो पता कर लें और यहाँ नगर निगम में अपनी आपत्ति लगा दें, जिनके संग भी अन्याय हुआ उनको न्याय मिलेगा और टैक्स कम कर दिए जाएंगे, ये आश्वासन माननीय नगर आयुक्त ने दिया है।